Hallelujah. 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 इससे पहले कि हम शुरू करें प्रस्तुति को, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं पैगाम की पूरी मैनेजमेंट का और आप सबका। आप हर साल खुलूस दिल से हमें मौका देते हैं कि हम आएं और आपकी सेवा में खुदावंद के दिए हुए गीतों की भेंट चढ़ाएं, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। इसी तरह एल्फ्रेड के लिए और राजू के लिए जरा ताली बजा दीजिए। हालेलुया। आज सुबह मैं मेथोडिस्ट चर्च में था और एक अजीब बात हुई जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। बात यूं हुई कि ऑलमोस्ट प्रोग्राम खत्म हो रहा था और दो हमारे मुस्लिम भाई जो मौलवी थे वो आ गए। हमें नहीं पता वो कैसे आए। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आए, तो कहने लगे कि हम हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर थे लेकिन हम दुआ कराने आए हैं। सुनिए, इससे पहले आप तालियां बजाएं, जरा सुने हुआ क्या। तो उनसे पूछा आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो दोनों के दोनों कान बंद थे। इन अदर वर्ड्स दे वर टोटली डेफ और आंखें भी खराब थी। सो सारे चर्च के लोगों ने हाथ बढ़ाए और खुदावन ने दोनों मौलवी साहिबान के दोनों कान वहीं पर खोल दिए। उसके बाद एक और अजीब बात हुई। एक और हमारे भाई जो मसीही नहीं थे वो आ गया है और कहने लगे, भाई मैं तो कहीं और जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं यहां कैसे आ गया हूं, मैं कैसे आ गया, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं यहां कैसे आ गया। और खुदावन ने भाई प्रेम को वर्ड ऑफ नॉलेज दिया और भाई प्रेम ने कहा कि आप ये करते हो, तो उसने कहा हां मैं करता हूं। आज उसने अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह को दिया और तौबा करके वहां से गया। आज मेरा ईमान है, पिछले दो रातों में खुदा ने बारिश को रोका है और ठीक ठाक तरीके से रोका है। आइए खुदावन के नाम के लिए ताली बजाएं, उसका शुक्र करें। और आज जब आखिरी दिन है पैगाम का, मेरा पक्का विश्वास है ये कि जो पिछले दो दिनों की बरकत थी वो आज की बरकत के सामने बिल्कुल पेल हो जाएगी। जो आज की बरकत है वो इतनी ज्यादा होनी है कि वो आपसे संभाले नहीं संभल नहीं। सो आप तैयारी कीजिए, अपने आप को वर्शिप के मूड में ले आइए और खुदावंद का काम जैसे जैसे वो हमें गाइड करता है हम करेंगे। सारा जलाल हम पहले ही से कहते हैं, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम को मिले, उसी के नाम को मिले। हालेलुया।
जब खुदावन आपकी मट्टी को छूता है, एक दफा उसने बागे अदन में छुआ था, मट्टी का पुतला लिया था और उसमें दम फूंका था और वो जीती जान हुआ था और खुदावा ने उन्हें बरकत दी थी, परमेश्वर पिता ने उन्हें बरकत दी थी और उन्हें कहा था बढ़ो फलो फूलो बहुत सा फल लाओ। सो पहला काम जो खुदावन ने किया, पहला काम जो परमेश्वर पिता ने किया, ही सेड बी ब्लेस्ड, बरकत पाओ। सो मुझे और आपको बरकत के लिए, ब्लेसिंग के लिए क्रिएट किया गया, लानत के लिए नहीं, कर्स के लिए नहीं, ब्लेसिंग के लिए क्रिएट किया गया। उस ब्लेसिंग को हमने पाप करके खो दिए, लेकिन यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर वो ब्लेसिंग हमें वापस की है। अब हम नौकर नहीं दोस्त हैं, अब हम गुलाम नहीं बेटे हैं, अब हम आजाद हैं, अब हम चंगियाई ढूंढते नहीं हैं बल्कि चंगे हैं, अब हम गरीब नहीं बल्कि यीशु में अमीर हैं। आज जब आप इस गीत को सुनते हैं, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, यानी उस बर्तन में यहोवा की तस्वीर नजर आने लगती है। आज मेरी ये दुआ है, भाई सुभाष की ये दुआ है कि मुझ में से और आप में से यीशु मसीह की तस्वीर, यीशु मसीह की शक्ल नजर आए। यहोवा पाक खुदा, आइए दुआ करें। पाक खुदा, यीशु के नाम में अपना तन मन धन हम सब तेरे हाथों में देते हैं। इस ग्राउंड को तेरे लहू में कवर किया जा चुका है, अब हम पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं और तुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आए इस सारे एरिया को परमेश्वर पिता के दूतों से यीशु नाम में भर दे। एक एक कुर्सी पर बैठे हुए हर एक को खुदावंत के दूत छुए, इनकी मट्टी को बदल दे, इनके जहन को बदल दे, इनके ख्यालों को बदल दे, इनकी रूह को बदल दे, इनकी जान को बदल दे, इनके रूए रूए को बदल दे, बिल्कुल बदल दे। और आज ये यहां से खुदावन यीशु मसीह का वो दर्शन लेकर जाएं जो इन्होंने आज तक नहीं लिए। हमारा इकरार है दोनों का, सुभाष का और मेरा और पैगाम की कमेटी का और हम सब का, ये सारी महिमा सारा जलाल सारा क्रेडिट सारी शुक्रगुजारी सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम को जाएगी। खुदावन यीशु के मीठे सुंदर और जलाली नाम में, आमीन। इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु यीशु
यीशु यीशु इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए यीशु यीशु। क्या नाम है उसका, जरा बोलिए यीशु। जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। हमारे साथ गाइए। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो। चलिए आपकी बारी है। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए यीशु यीशु। Those who really want to worship, जो वाकई प्रस्तिश में जाना चाहते हैं, प्रशंसा में जाना चाहते हैं, खड़े हो जाइए और खुदावंत की हजूरी में आ जाइए। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो गाइए। तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो। कुम्हार बने जिस बर्तन का, कुम्हार बने बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए यीशु यीशु। क्या नाम है उसका, जरा बोलिए यीशु। हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें,
जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें अंगूर के पेड़ से बेवस्ता हर डाली सावन हो जाए अंगूर के पेड़ से बेवस्ता हर डाली सावन हो जाए कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो यीशु यीशु क्या नाम है उसका यीशु यीशु आज जो भी तूफान है आपकी जिंदगी में यीशु के सामने उसको लाइए तूफान इसलिए उठते हैं कि यीशु के नाम में खत्म हो उसका नाम सब नामों से अलग उसके नाम में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं उसके नाम में कोड़ी शिफा पा जाते हैं उसके नाम में हमेशा का जीवन है उसके नाम में हर तरह की खुशी है तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें भाई सुभाष गाइए तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो हंसते है जब जिंदा चट्टान पे हो अंगूर के पेड़ से बेवस्ता हर का डबल सावन हो जाए अंगूर के पेड़ से बेवस्ता हर का सावन Thank you.
लख्त जिगर ने, यानी तेरे जिगर के टुकड़े ने, यानी यीशु मसीह ने। बख्त इंसान, इंसान की तकदीर, इंसान की किस्मत बदल के रखती है। जो जहन्नम के वारिस थे वो आज हमेशा का जीवन पा सकते हैं इस यीशु नाम की वजह से। तेरे लख्त जिगर ने, तेरे लख्त जिगर ने पाहु खुदा, बख्त इंसान बदल डाला। तेरे लख्त जिगर ने पाहु खुदा, बख्त इंसान बदल डाला। तेरे लख्त जिगर ने पाहु खुदा, बख्त यसु पर अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान चुलाए यसु पर अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस पर बोलेंगे यीशु, 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 शीर खुदा दाद अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा है तू। अल्फा ओमेगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा, राहत और जीवन है तू। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यीशु, 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 yeah।
पूछना चाहते जिस तरह उस औरत ने अपने दिल में ठाना कि अगर मैं इसका पल्लू ही छू लूं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। आज भी तेरे बेटे तेरी बेटियां उसी ईमान के साथ तेरे पल्लू को छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। Yes, sir.
तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना पिकअप, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, वो तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरी पोशाक का कोना छूना चाहते हैं, तेरी पोशाक का कोना छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, सांसा जलर जलर सजलर जलर 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 रे रे ना, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, चाहते हैं एक अर्ज करना चाहते हैं, इनको छू इनको छू इनको छू 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 इनको छू इनको छू इनको छू इनको इनको छू इनको छू इनको छू इनको छू इनको छू इनको छू इनकी जानों को छू इनकी रूहों को छू इनकी जानों को छू इनकी रूहों को छू इनके बदनों को छू इनके जहनों को छू इनके बदनों को छू इनके जहनों को छू, और तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, धनी 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 जब जिंदा चट्टान पे हो आके, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तेरे तेरे
हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आके तूफानों हंसती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आके अंगूर के पेड़ से पैवस्ता हरियाली सावन हो जाए कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का ओ बर्तन दर्पण हो जाए यीशु ओ यीशु यीशु श्री बाबा पूरा बस यीशु किसी के कान के ऊपर एक रसौली है कान के ऊपर एक फोड़ा है रसौली है यीशु मसीह के नाम में छोड़ यीशु 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 यीशु
यीशु खुदा बाप यीशु के नाम में अपने हाथ बढ़ाइए। सुहराबाखी नाम खला खराबासेला यीशु नाम में गिव द कमेंट्स भाष सहराबा सूर्य खसीरिया संद्रमस होराबाखी नमासी हालेलुया। दुआ करनी शुरू करें प्लीज सब। दुआ करनी शुरू करें सब। हालेलुया हालेलुया वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया तमाम देखी अनदेखी अंधेरे की ताकतों को आसमान की सारी उन कुवतों को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि छोड़ खुदावंद यीशु के लोगों को। सूर्य अंदर बसी बरा बरा खरा बसी तरा बरा। इन द नेम ऑफ जीसस वी कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस एवरी स्पिरिट सीन और अनसीन द स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस अंधेरे की ताकतों को यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि छोड़ो यीशु के नाम में। Holy Spirit, we love you. Spirit of depression, leave. We worship you. We praise. We thank you. We give you praise. We give you honor. Subhash bhai, baje badlenge. Baje mujhe de dijiye wo wala. Hallelujah. एक मिनट हमें दीजिएगा। हालेलुया। उस बाजे का जो पंखा है वो बहुत सख्त हो गया हुआ है, उसमें हवा नहीं आती। सो सोचा थोड़ी देर भाई सुभाष भी जाएंगे, थोड़ी देर मैं भी जाऊंगा। मेरे पीछे बोलिए रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना जहन दिया अपना मसा मुझे अपना रूप दिया रंग लिया। जिनको नहीं आता सुन लीजिए एक दफा, मैं आगे गाऊंगा पीछे भाई सुभाष के साथ गाइए और फिर वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। आपकी बारी है। रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये सुने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना मसा दिया अपना जहन दिया अपना जहन मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया
रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना बसा दिया अपना नहीं मुझे अपना रूप दिया अपना रूप दिया रंग लिया मोहे आपकी बारी है रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया बोलो रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग संग जीवन बनाओ दिया जीने को रंग रूहे पाक किया संग चौपान बनाओ एक अजब खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बनाओ वो संग लिया मोहे संग लिया हे हे संग लिया मोहे संग लिया मोहे संग अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया वही प्यार करूं चाहे छाओ या धूप यीशु है खुदा वही प्यार करूं चाहे छाओ या धूप यीशु है खुदा वही देता है फल उसने नहीं छल यीशु है वफा अपना मसा
दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, अब जीना मसीह 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 और मरना नफा नफा नफा, जपता हूँ यही अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही अंगलिया हर अंगलिया हो अंगलिया हर अंगलिया हर अंगलिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप ताली बजा के अंगलिया संग संग चौपान बना दिया जी ने करंग रूहे पाक किया संग ओ दिया जी ने करंग रूहे पाक किया संग चौपान बना वो एक अजब खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बना वो संग लिया और मरना नफा नफा नफा, नफा जपता हूँ यही अब जीना मसीह और मरना नफा जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही ए, 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 अंगलिया मोहे अंगलिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया मोहे रंग लिया मोहे
मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया पूछता हूँ क्या आपके ऊपर वो रंग चढ़ा है कि नहीं, वो रंग कच्चा नहीं वो तो पक्का है, ये रंग उतरता नहीं ये तो चढ़ता जाता है। और क्या होता है सुभाष भाई, सब पापों को जो सुर्ख माप है उनको धोकर बर्फ की मानिंद सफेद करता है, ऐसा वो रंग है। हालेलुया, ऐसा रंग है जो सारी बीमारियों को सारे गुनाहों को सारी खताओं को सारी कमजोरियों को दूर करता है। ऐसा वो रंग है जब हमारे ऊपर चढ़ता है तो और कुछ नहीं आसमानी बाप को हम सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे के लहू में नजर आते हैं। हालेलुया। अरे सुभाष भाई, मेरे तो दिया जीने को रंग रंग। अरे ये रंग रंग बड़ा करते हो भाई, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे पापों की सलीब जो हमारे गुनाहों की सलीब थी उसने अपने कंधे पर उठाई, अपने हाथों में कीले गड़वाई, अपने पांव में कीले गड़वाई, अपनी पसली में भाला गंपवाया, सर पे कांटों का ताज पहना, इसलिए ओ दिया दीने का रंग रंग के रूहे पाक किया संग संग चौपान बनाओ दिया चीने को रंग रूहे पाक किया संग चौपान बनाओ एक अजबे खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बनाओ वो 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 संग लिया हमें संग लिया मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा वो तुम्हारे लिए एक दूसरा मदद भाव दे देगा। ओ संग लिया हमें संग लिया मोहे संग लिया ये सुने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया। सुनिए अब जीना मसीह 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 और मरना नफा 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 जपता हूँ यही अब जीना मसीह मरना है नफा जपता हूँ यही। अरे मेरे भैया यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही अंगुलिया हर अंगुलिया क्या हुआ अंगुलिया हर
हर अंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया। यार मुझे नहीं पता कि मेरे बहन भाई बेटे बेटियां गा भी रहे हैं कि नहीं, आपको क्या लगता सर? सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। हाँ जी। तो मैं और आप सिर्फ बाजा बजाते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। बाजा भी आहिस्ता से, ठबला के आवाज आनी चाहिए, ठबला भी आहिस्ता से, झोलक भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, मधुर मधुर छोटी छोटी। तैयार हैं आप? कितनों को रंग चढ़ चुका है, कितनों को रंग चढ़ चुका है, जोर से ताली बजा के खुदावंत का शुक्र अदा करें और कहें, रंग दिया मोहे रंग दिया, मुझे अपने लहू से रंग दिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना, दिया अपना जहन, दिया अपना, मुझे अपना, मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया। सिर्फ बहनें गाएंगी, सिर्फ बेटियां गाएंगी, महिलाएं गाएंगी, 1 2 3 4 आहा, बहुत अच्छा गा रही है। मोहे अपने लहू में रंग दिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। चलो जवानों, कोई जवान है यहाँ? ओ मेरे वर्गे जवान हो गए हो तो तुसी की कर दे जवानी नाल, जवान 1 2 3 4 रंग लिया, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया ये सुने, दिया अपना मसा, दिया मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, अरे दिया जीने को रंग, रंग रूहे पाक किया संग, चौपान बना वो दिया जीने, दिया जीने का रंग, ओ रूहे पाक दिया संग, चौपान बनावो, एक अजब खुशी एक अनोखा मजा, दिल जान बनावो, संग लिया मोहे संग लिया, आहा संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया यीशु ने, फिर क्या हुआ, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप, ना बाबा ना, आपके साथ वाला तो गा ही नहीं रहा, अपना जरा साथ वाले की तरफ बुग्गा कीजिए, अपना मीठा सा बुग्गा, अपना प्यारा सा बुग्गा कीजिए और जरा उसको कहिए, अरे बे रंग चढ़ा के नहीं, रंग लिया मोहे रंग, उसको उसको बताइए, अपने नेबर को बताइए, अरे सुभाष भाई मुझे बताओ, रंग लिया
मोहे रंग लिया। अरे अल्फ्रेड, अरे राजू, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ मोहे रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। जोर से एक ताली बजाएं यीशु के लिए और फिर बैठ जाएं। अरे इतनी सी ताली भाई, किसके लिए बजा रहे थे? जितनों ने ताली बजाई वो बैठ जाए, जिन्होंने नहीं बजाई वो खड़े हो जाएं और फिर ताली बजाएं। हालेलुया। भाई सुभाष, हालेलुया। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। गाइए। कुदूस कुदूस कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटकाना आसरी देने को जिंदगी, वो ही बना था नान देने को रास्ती। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लटकासरी देने को जिंदगी, वो बना खानान की देने को रास्ती। लकड़ी पे लटकाना आसरी
वही बना था लानती, वही बना था लानती देने को राज। हालेलुया एवरीवन, पाक खुदा। लकड़ी
पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था नाम तेरे को रास्ती सुभाष भाई, बहुत दूर दूर से खुदावंद के बेटे बेटियां आए हुए हैं, पंजाब से, फिरोजपुर से, न जाने जलंधर से, कहां कहां से, वो तो थोड़ा पिंड हैगा। तो पाजी को पंजाबी का गीत सुना रही हो, थोड़ी मेहरबानी। हालेलुया, आपको आशीष मिल रही है, आशीष मिल रही है, ताली बजा के बताएं। जोर से और जोर से और जोर से। होते पावा मैं तमाल यसुदी, पावा मैं तमाल यसुदी, कहिए पावा मैं तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, आवाज आनी चाहिए, पावा में तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी। ओ तमाल जड़ी है वो बैठ के नहीं पैंदी, कमाल खड़े होके पैंदी है। और जिस तरह दाऊद अपने सारे जिस्म दे अंगा नू खुदावन नू खुश करने वास्ते इस्तेमाल करता सीगा, अज असी भी अपने खुदावन नू खुश करिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते पावा मैं तमाल यसुदी, पावा मैं तमाल यसुदी, पावा मैं तमाल यसुदी, पावा मैं तमाल यसुदी, ओ पावा मैं तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, यसुदी यसुदी, पावा में तमाल 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 यसुदी, यसुदी यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, तुहाडी वारी है, ते पावा में तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, ओ पावा में तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी। शिफा दीती मेरे शाफी बख्शी गुनाह दी माफी, 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 और मैं कुछ ना चावा ओदा फजल है काफी, और मैं कुछ ना चावा ओदा फजल है काफी, ते पावा 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 मैं तमाल यसुदी, ते पावा मैं तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, पावा में तमाल यसुदी, यसुदी यसुदी, पावा में तमाल यसुदी,
सुधी यसुदी पावा मैं तमाल यसुदी पावा मैं तमाल यसुदी पावा मैं तमाल यसुदी पावा मैं तमाल यसुदी सब कुछ मुहैया करता रूहुल को दसनल पर्दा सब कुछ मुहैया करता रूहुल को दसनल पर्दा सब कुछ मुहैया करता रूहुल को दसनल पर्दा पलड़ा जो उसका पर्दा बेड़ा है उसका तर्दा पलड़ा जो उसका पर्दा बेड़ा है उसका तर्दा पावा 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 ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆ ਨੱਚ 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 ਯਸੂ ਲਈ 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 ਯਸੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ते मुंडिया नच 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 ये सुनई 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 यीशु जदों आया तो कूह फेर पाया ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਨਵਾਂ
नवी पहचान होई नवा इंसान ते नवी पहचान होई नवा इंसान ते नवी पहचान होई नवा ही सब कुछ पाया देखो मेरा नाच 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 यसु यसु कहता जावा टिकड़ी जिन्हें अण बनाई वारी वारी ओदे जावा शायद तुसी झिझकन डे हो शायद तुसी पता नहीं तुहाडे पैर नहीं उठन डे पता नहीं की होया इस वारी मैं वेखना चाहना के करदे की हो यीशु जदों आया लू लू मुस्काया मेरे अंदरों उठी आवाज ते मुंडिया नच 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 यीशु नहीं मैं मुंडिया नच 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 यीशु नहीं मैं मान गया भाई मैं मान गया पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते की होया ते मौजा लग गईया ने चल गईया ने है साडे ते मौजा लग गईया ने
मेरे नाल गरारी लाओ हुण ते शाना वद गईयां ने ते शाना वद बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए भाई सुभाष प्लीज आप कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे अब जरा थोड़ी एक दो बातें इनसे कर लें प्यारे प्यारे भाइयों से बहनों से बेटों से बेटियों से कोई मीठी सी बात हो जाए तो अच्छी बात है हालेलुया 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 भाई सुभाष कौन सा हवाला पढ़ेंगे सर बताएं आप मैं बताऊं चलिए हालेलुया मैं आपको बता देता हूं भाई सुभाष आप नहीं ना चाहते कि आप मुझे बताएं तो फिर मैं आपको बता देता हूं मत्ती 25 बाब सर मैथ्यू चैप्टर 25 प्लीज मत्ती रसूल की इंजील उसका 25वां बाब मैथ्यू 25 डू यू हैव इट अगर निकाल लिया तो बोले हालेलुया अगर सो रहे हैं तो कहिए प्रेज द लॉर्ड अरे फिर वही बात मैंने कहा अगर सो रहे हो तो कहो प्रेज द लॉर्ड सारे कह रहे हैं प्रेज द लॉर्ड सुभाष भाई मत्ती 25 बाब वर्सेस 14 टू वर्स 30 प्लीज वर्सेस 14 टू वर्स 30 प्लीज मत्ती रसूल की अंजील उसका 25वां अध्याय और उसके 14 आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे क्योंकि वे उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी उसने एक को 5 तोड़े दूसरे को 2 और तीसरे को 1 अर्थात एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर
उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। जब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वे ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वे तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि ये जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आज सवाल यह है आपके सामने कि क्या आप यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं? अगर आप यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं तो आप जब अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में देखा, भाई रमन को देखा, फिर भाई रोबन को देखा, फिर भाई भला आए, फिर और भाई आए, फिर और भाई आए, पीछे बहनें भी हैं, इन सब ने मिलकर जो इनको तोड़े दिए गए हैं इन्होंने उसके साथ कारोबार किया है, तुरंत उसके साथ कारोबार किया है। अगर आपको जो खुदा ने तोड़े दिए हैं, अगर जो तोड़े मुझे और सुभाष को खुदा ने दिए हैं, अगर हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा हिसाब किताब जरूर होगा। आप में से कितनों को खुदावन ने कितने कितने तोड़े दिए हुए हैं और आप उन्हें जमीन में दबा के बैठे हुए हैं। बहुत तोड़े हैं इस जगह पर, बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग। आप पूरे हिंदुस्तान को क्या, आप पूरी धरती को, पूरी दुनिया को हिला सकते हैं अगर आप अपने तोड़ों से काम लें। बहुत से तोड़े हैं आपके पास। मसीही होना काफी नहीं है। याद रखिए, 10 कुंवारियां थीं, सारी दुल्हे के इस्तकबाल के लिए गई थीं, लेकिन 5 के पास कुप्पियों में तेल नहीं था। तेल पाक रूह है,
पवित्र आत्मा है, वो आपके साथ कारोबार करना चाहता है। बहुत दफा ये बात नहीं कि मैं थका नहीं होता, ये बात नहीं कि भाई सुभाष थके नहीं होते, ये बात नहीं कि भाई रमन जब हिंदुस्तान आते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमें पता है कि जो तोड़े हमें खुदा ने दिए उसका हिसाब उसने कर लेना है। और बाइबल में आपने भी सुने, जिसको जिसके पास जिसने सही इस्तेमाल नहीं किया उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आपके पास क्या कुछ नहीं है, खुदावन ने आपको आंखें दी हैं, खुदावन ने आपको कान दिए हैं, और खुदावन आपसे ये कहता है, आपने भी सुना मत्ती 25 बाब 26 आयत में, अगर आप लेन देन नहीं कर रहे तो आपका टाइटल पता क्या है, मेरा टाइटल पता क्या है, शरीर और सुस्त नौकर। जितने जवान यहां नाच रहे थे, जितनी बेटी बेटियां बेटे बेटियां उछल रहे थे, क्या आप इसी तरह जब कोई सामने नहीं होता खुदावंत के हजूर में नाचते हैं? क्या आप इसी तरह अपने तोड़ों से कारोबार कर रहे हैं? क्या लोगों को आपके कैरेक्टर से खुदावंत की खुशबू आती है या नहीं? मसीही कहलाना काफी नहीं है अजीजों, आपके तोड़े कहां हैं? क्यों कलीसियों में पादरी साहिबान को मिन्नतें करनी पड़ती हैं क्या के हमारी हेल्प करें? क्यों 20 जवान दरवाजे पे खड़े होकर सबको वेलकम नहीं कर रहे होते? उस वक्त जवानों आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है कि आप नशे से दूर रहो, आपका काम है कि आप बीड़ी से दूर रहो, आपका काम है कि आप पाक नजरें रखो। सो अगर आप मसीह को खुश करना चाहते हैं तो आपको अपने तोड़ों के साथ लेन देन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप यीशु को खुश करना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी से अपने तरह प्यार करना पड़ेगा। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि जब तू उस भाई को, उस बहन को, उस रिश्तेदार को, उस साथी को जिसे तू देखता है उसे प्यार नहीं कर सकता, तो उस खुदा को, उस परमेश्वर पिता को जिसे तूने देखा नहीं, तू कैसे कहता है मैं तुझे प्यार करता हूं? प्यार इज एक्शन, एंड एक्शन ब्रिंग्स अबाउट रिएक्शन। जब आप प्यार करेंगे खुदावंद आपको प्यार करेगा। कभी एक दिन मैं बैठा हुआ था, चर्च जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो खुदावंद ने कहा बेटा मेरी हजूरी में बैठ, मैंने बात करनी है तुझसे। मैं बैठा, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, खुदावंद की आवाज मुझे नहीं आई। 20 मिनट के बाद मैंने कहा मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, आपने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटा गुजर गया, मैं तंग आ गया, मैंने कहा खुदावंद आप कोई बात भी नहीं कर रहे, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, कोई जवाब नहीं आया। 1 घंटा 20 मिनट मैंने कहा खुदावंद क्या बात है, आप बात क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा मैं तुझसे यह पूछता हूं बेटा, क्या मेरी हजूरी में बैठना तेरे लिए काफी नहीं है? जरूरी है कि मैं बात करूं तो फिर ही तुझे महसूस होगा? जवानों, बेटो, बेटियों, इस चीज को पल्ले बांध लो कि सुबह ब्रेकफास्ट हो या ना हो, सबसे पहले आपने प्रभु का वचन पढ़ना है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने सिखाया था अपने शागिर्दों को कि जब तुम दुआ करो तो कहा करो कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ये जो वचन है ये आपकी रोज की रोटी है, अगर ये नहीं खाओगे तो शैतान मुंह फाड़े खड़ा है, बॉलीवुड मुंह फाड़े खड़ा है। बॉलीवुड को आप चेंज कर सकते हो, उसको हॉलीवुड कर सकते हो, उसको मसीह की सलीब बना सकते हो।
सुभाष भाई, आप इस ताल्लुक से क्या कहने चाहेंगे सर, मोहब्बत के ताल्लुक से? एक लाइन गाता हूं मैं, प्यार दा की ये मतलब सानू वे सिखाया है, ओ प्यार दा की ये मतलब सानू वे सिखाया है, लहू नल दे के कीमत पापा तो छुड़ाया है, प्यार दा की ये मतलब। हमें जिस तरह खुदावंद यस्सु ने, कलाम कहता है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो विनाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब तक हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ नहीं रहते हैं, अभी कलाम में से हमने सुना कि जिस भाई को हम देखते नहीं है, जिस खुदा को हम देखते नहीं है उससे तो प्यार की बातें करते हैं, और जिस भाई को हम देखते हैं, जिस बहन को हम देखते हैं, जिस बच्चे को हम देखते हैं, जिस बुजुर्ग को हम देखते हैं, उनकी चुगलियां करते रहते हैं हर वक्त। कलाम में यह भी लिखा हुआ है कि जब तू कुर्बानी चढ़ाने के लिए ऑल्टर पर आए तो वहां अगर तुझे याद आए कि तूने अपने भाई से, तेरे साथ भाई की कुछ अनबन है, तो अपनी कुर्बानी उस वेदी पे छोड़ के वापस जा और उससे जाके सुलह कर। सुभाष भाई, पत्रस रसूल ने खुदावन से पूछा था कि मैं कितनी दफा माफ करूं, उसने कहा सात दफा, खुदावन ने कहा कि सात नहीं बल्कि सत्तर के सात बार, दैट्स 490 टाइम्स इन 24 आवर्स। आमीन। अब हम क्या करते हैं, हमारी माफी इस तरह की होती है, सुन ले जरा, तेनू माफ तो कीता पर काका जे तू दोबारा कीता ना ते मैं तेरे फटे पुट देने ने, तेनू घरों ना कढ़ के लियाया ते मेरा ना भी ये क्या माफी है भाई, ये क्या माफी है के हालेलुया सना गाओ। और अगर साथ कोई ऐसा बंदा बैठा जिससे आपकी नहीं बनती, जैसे चर्च खत्म होता है आप दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते हो ताकि उस बंदे के साथ सलाम ना करना पड़े, कि क्या क्या कैसी मोहब्बत है। बाइबल में यूं लिखा है सुभाष भाई कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, सब बातों का यकीन करती है, शेखी नहीं मारती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। आप क्या कहते हो? बेहतरी, खुदावन यीशु जो आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावन है, उन्होंने अपने आसमानी तख्त को इसलिए छोड़ा क्योंकि आदम को, जिसको अपने हाथों से बनाया, मट्टी का पुतला बनाकर उसके नथनों में अपना ही दम फूका, और जब वो गुनाह में गिर गया तो उसकी मोहब्बत में वो रोए चिल्लाए और अपना आसमानी तख्त छोड़कर जमीन पर आए क्योंकि वो उससे मोहब्बत करते थे। हमसे मोहब्बत करते हैं खुदावंद यीशु, आपसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी है। सो दो बातें आपने सीखी और एक और बात करके हम इस चीज को खत्म करेंगे। पहली बात आपने ये सीखी कि जो टैलेंट्स, जो गिफ्ट्स खुदावन ने आपको दिए उनको इस्तेमाल में लाएं। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं और आपके पास भी आते हैं कि भाई साहब हम आपको फॉलो करना चाहते हैं, इट कॉस्ट समथिंग, इट्स नॉट फ्री, इट कॉस्ट टाइम, इट कॉस्ट एफर्ट, इट कॉस्ट एनर्जी, इट कॉस्ट सैक्रिफाइस। आपको देना सीखना पड़ेगा, आपको अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी सोचों को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बात करे, आपसे कलाम करे, आपको गीत दे, आपको हर तरह की गजलें दे, आपको काम करना पड़ेगा।
पास पहली बात अभी चंद मिनटों में बल्कि मैक्सिमम पांच मिनटों में मैं आपसे कहूंगा, वो सब जो खिदमत करना चाहते हैं जवान स्पेशली, मैं आपको उस वक्त दावत दूंगा, सुभाष दावत देंगे कि आप खड़े हों और हम आपके लिए दुआ करेंगे, अभी नहीं। दूसरी बात जो आपने सीखी है वो ये है कि अगर आप अपने भाई से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप खुदा से भी मोहब्बत नहीं करते। तीसरी और आखिरी बात, बाइबल में यूं लिखा है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राह है। जो भी फैसला करते हैं जिंदगी की हर चीज को कलाम की रोशनी में देखें और जिंदगी के हर फैसले को कलाम की रोशनी में परखें, कबूतर की मानिंद भोले और सांपों की मानिंद होशियार रहें, होशियारी से काम किया करें। लेकिन खुदारा मेरी मिन्नत है आपसे और अपने आप से भी कि कभी भी रात को बिस्तर पर ना जाएं जब तक आपने माफ नहीं कर दिया जिस किसी से आपकी नहीं बनती। अब कोई कहेगा मुझे कि भाई अर्नेस्ट हमने तो माफ किया, वो माफ नहीं करते। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, योर जॉब इज टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, लीव इट, लीव द रेस्ट टू द लॉर्ड एंड टू दैट पर्सन। वो उसका, उस शख्स का और खुदा का मामला है। जब आप माफ कर देते हो यू टर्न दैट कर्स अराउंड जो आपके ऊपर आ रही होती है। When somebody bothers you and say, I bless you in the name of Jesus, I bless you in the name of Jesus, I bless you in the name of Jesus, aap us curse ko reverse kar dete ho. So, is waqt main ye chahta hu, I do not know why, but the Holy Spirit is speaking to me right now. Jitne yahan pe shadishuda jode hain, after this we are going to go for that anointing thing. Jitne, those who are married, could you please stand up? जिनकी शादियां हुई हैं, जिन्हें नहीं हुई हैं, हले बैठे रहो, पता लग जाएगा तोड़ा। Jesus. जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। मेरी बात सुन खावन, हस्बैंड, पति जी, चादी पति नहीं बनना, मेरी गाल सुनो। शैतान को मौका मिल गया था हवा के साथ खराबी करने का, इसलिए कि आदम साहब सोए हुए थे। You must take care of your wife. You must take care of her. Talk to her. उसको नौकर बना के ना रखें, वो खुदा की बेटी है। एक हक खुदा ने किसी इंसान को नहीं दिया और वो हक है आप किसी दूसरे इंसान को अपने से कमतर नहीं समझ सकते। कभी अपनी बीवी को अपने से कम ना समझिए। यस यू आर द हेड बट शी इज इक्वल टू यू। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ी करना, कभी इनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने छोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना।
जाने के नाश करना मोहब्बत से। यीशु की शहजादी है ये, रखना उल्फत से, रखना उल्फत से। तू सर इसका मसीह सर तेरा, सर तन से जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। बहन तू भी सुन, मेरी बेटी सुन, शोहर से यूं एहदे वफा हो जैसे खुदा बंद से, शोहर से यूं एहदे वफा हो जैसे खुदा बंद से। इज्जत करना डरती रहना जैसे खुदावंद से, जैसे खुदावंद से। दुख सुख में तू लिपटी रहना, दिल जान से जुदा ना करना, दिल जान से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। यीशु मसीह के पास एक औरत आई थी, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी हो के सामरी से पानी मांगता। यीशु ने कहा जा अपने हस्बैंड को बुला ला। उसने कहा मेरी शादी नहीं हुई। यीशु ने कहा तूने ठीक कहा, पांच कर चुकी है, जिसके साथ है वो तेरा खावन नहीं है। बट नोट करें, यीशु ने उसको जूतियां नहीं मारी, यीशु ने उसको बदनाम नहीं किया, यीशु ने उसको गालियां नहीं दी, यीशु ने उसको प्रोस्टिट्यूट नहीं कहा। एक और औरत को बदकारी में पकड़ के लाए थे। यीशु ने कहा था तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया पत्थर उठाओ मारो इसको। सो आप क्या चाहते हैं? जब किसी का ब्याह होता है, धन्यवाद धन्यवाद, बधाई हो बधाई हो, पीछे जाके वेखे नू ए दूजा की तासू ए तीजा की तासू है वेखे ही। अरे यार हम नहीं इसको जानते। अरे हम मैं तो स्टार्ट से ही जानता हूं इसको। हम जो खुशियों में शामिल आंख न इनसे चुराए, झूठी सच्ची बातों से न इनको दूर भगाए, इनको दूर भगाए, झूठी सच्ची बातों से कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। अनमोल खड़ियों की, अनमोल खड़ियों की लड़ियों से इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना। अब आपका ये हमको खुदा ने जोड़ा है, हमको खुदा ने जोड़ा है, कभी हमको जुदा ना करना, कभी हमको जुदा ना करना। झूठी सच्ची बातों से, झूठी सच्ची बातों से।
कभी इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। ला 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 Let me pray for you. खुदा बाप, जब हर तरफ से परिवार पर हमले हो रहे हैं, हर तरह की टेम्पटेशंस है बाप, सोसाइटी नीचे की तरफ जा रही है, टेलीविजन नंगेपन से भरा हुआ है, इंटरनेट भरा हुआ है, और मेरे पाक खुदा में यीशु नाम में हर मसीही जोड़े के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु आज जब ये तेरे हजूर खड़े हैं, अपने यीशु नाम में एक एक जोड़े को छू प्रभु, इनके खानदानों को छू प्रभु, इनके बच्चों को छू प्रभु, इनके पूरे पूरे परिवार को छू प्रभु, ताकि तेरे बेटे तेरी बेटियां खुशी से तेरे पवित्र आत्मा के नीचे रहकर अपने जीवन का सफर अच्छी तरह बिता चुके, ये हम मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के मीठे सुंदर और जलाली नाम में, आमीन। बैठ जाइए, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, मुझे भी पता लगा कि वक्त बहुत थोड़ा है हमारे पास, सो जो जवान है जो खिदमत करना चाहते हैं, चाहे वर्शिप के जरिए या वचन सुना के, जैसे भी, वर्शिप इज वचन बेसिकली, जब आप कलाम की बातें करते हैं गीतों में, दैट्स व्हाट इट इज। आई वांट यू टू क्विकली स्टैंड, एकदम खड़े हो जाइए फटाफट, टाइम बहुत थोड़ा है। भाई सुभाष, यू हैंडल इट। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें और हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं अपने। प्यारे यीशु जी, इन नौजवान बच्चों को हम आपके पाक तख्त के सामने लेके आते हैं और आपके कलाम की लिखी हुई बातों को याद करते हैं। योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत को हम याद करते हैं। प्यारे खुदावन, आपके कलाम में लिखा है कि आखिरी दिनों में आप अपना पवित्र आत्मा हर फर्द बशर पर उंडेलेंगे और हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। इन बच्चों को आपके पाक तख्त के सामने लेके आते हैं प्यारे खुदावन, ये बच्चे जो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, वर्शिप के तौर पे या वचन सुनाने के तौर पे या किसी और तरीके से आपकी प्रस्तिश आपकी गवाहियां लेकर दुनिया के कोने कोने तक लेके जाना चाहते हैं, इन पे आपके पवित्र आत्मा की आग उतरे यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस दीज यंग चिल्ड्रंस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन जीसस माइटी नेम, आमेन। बैठ जाइए। नाउ दोस हु आर सिक, जो बीमार हैं किसी भी तौर पे, जो बीमार हैं किसी भी रीति से, खड़े हो जाइए प्लीज। दोस वर्ड सिक वेरी क्विकली, वी आर गोइंग टू डील विद इट राइट नाउ। फटाफट खड़े हो जाइए, जो बीमार हैं, जो बीमार हैं किसी भी तौर पे, जस्ट वन वर्ड्स। हालेलुया, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है, शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है, अपने ईमान से उसके लहू से पापों को धोने का वक्त है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा
वफा आती है। घोड़े भी खाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। घोड़े भी खाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुछ ना गया वो तेरे लिए, कुछ ना गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा अपने हाथ बढ़ाइए स्टेज की तरफ। गो सुभाष, प्रे फॉर देम। बारा 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 नमासी बारा बारा खारा बासी दरो बखोरी अंदर बासी केरिया रा बासंद्रा। खुदा यीशु जी, आपका कलाम कहता है कि आपने हमारी खताओं की खातिर आप घायल हुए, हमारी बदकतारी की ओ खुदावंद, हमारी बदकतारी की खातिर आप कुचले गए, हमारी सलामती की सियासत आप पे थी और आपके मार खाने से आपके बेटों और बेटियों ने शिफा पाली है। इस वक्त आपकी उस अथॉरिटी को यीशु के नाम में, हर बीमारी को जो आपके बेटों और बेटियों के जिस्म में है, इन द नेम ऑफ जीसस, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में छोड़। खुदावंद यीशु के लोगों को छोड़, खुदावंद यीशु के लोगों को छोड़, खुदावंद यीशु के लोगों को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी कमांड एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस टू लीव नाउ इन जीसस माइटी नेम। आमेन, आमेन, आमेन। सब खड़े हो जाइए। आपको कभी कभी हमारी याद जरूर आएगी, जब याद आए तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा। इस आयत के साथ हम आपको छोड़ेंगे। यादें जब सताए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना यादें जब सताए यीशु को याद करना, सूली उठाना अपने यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, खामोश बैठ जाना प्रस्तुति खुदा की करना, जब सांस घुट के आए क्या करेंगे यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। आखिरी तीन मिनट तैयार हैं, अपने हाथों को इकट्ठा कीजिए, बोलिए मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय।
सिजदा कर दिल जान से मालिक है अब सब बादशाह है के नाम की।